हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में इफ्तारी बहुत ही सिंपल से प्रिपेयर किया है। फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बनाया है, इफ्तार में बहुत ही अच्छा लगेगा। इस रेसिपी का लिंक मैं आपको इसी वीडियो में शेयर किया है लास्ट में। अगर आप चाहे तो वो लिंक फॉलो करके, यानी कि लिंक नहीं, वीडियो ही शेयर किया है, वो वीडियो देख के आप घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हो। जिसे नहीं आता है उनके लिए, आलू के भजिया यानी कि आलू के पकोड़े भी बनाया है। इसी तरह आलू के चॉप करके स्लाइसेस में बेसन में डिप करके बनाया है। गंजी, फ्रूट कस्टर्ड और थोड़े से फ्रूट्स भी है। फ्रूट्स वो है, सेब लिया है, केला लिया है, अनार लिया है और थोड़े से अंगूर, बनाना, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स और एप्पल लिया है। इन सभी चीज़ों को कट करते हैं, एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे स्टोव का फ्लेम ऑन है। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध को अच्छे से गर्म होने के लिए रखा है। दूध को अच्छे से गर्म होने दे, उबाल आने तक दूध को अच्छे से पकाना है। दूध को चम्मच चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएं। जो कस्टर्ड हम बनाने वाले हैं उसमें दूध थोड़ा गाढ़ा हो तो ही अच्छा रहेगा। दूध में उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ पे कस्टर्ड को 4 से 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को एक बाउल में ले लें। कस्टर्ड पाउडर को बाउल में ले लिया है मैंने। अब इसमें 1 कप दूध डाल के कस्टर्ड पाउडर को बिना लंप के अच्छे से मिक्स करना है। हम डायरेक्ट पाउडर दूध में डाल के पकाएंगे तो उसमें लंप्स आ जाएंगे, जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो ख़राब हो जाएगा। कभी भी कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 कप चीनी, 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड किया है शुगर को। दूध के साथ शुगर को अच्छे से पकाना है, 3 से 4 मिनट पकाएंगे। चीनी जो है दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो कस्टर्ड पाउडर को पहले मिक्स करके रखा है बिना लम्प से, दूध में शामिल कर देते हैं और उसे भी चम्मच चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रहे, दूध में कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद ये तले से दाग लग जाएगा, इसीलिए हमें चम्मच चलाते हुए पकाना है। दूध जो है वो जल जाएगा। चम्मच चलाते हुए पकाने से ये बिना दाग लगे कस्टर्ड जो है वो अच्छे से पकेगा। इसका कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम थिक होना है, गाढ़ा होने तक पकाना है हमें। इसके एजेस को निकालते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद आपको देखेंगे इसका जो गाढ़ापन है वो धीरे धीरे और भी गाढ़ा होता जाएगा। देखिए, अच्छे से थिक हो गया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। रूम टेम्परेचर आने तक इसे ऐसे ही रख दें। ये अब अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एप्पल, उसे छोटे पीसेस में कट करके रखा है। अब इसमें जाएगा अनार, पोमोग्रेनेट सीड्स, बनाना, केले को ऐसे छोटे पीसेस में कट करके रखा है उसे भी शामिल कर दे, अंगूर, ग्रेप्स को भी ऐड कर लेते हैं। इन सभी चीजों को चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी जो है आप अपने हिसाब से मिला सकते हो। मैंने इस रेसिपी में 100 ग्राम चीनी ऐड किया है। अगर आप चीनी थोड़ा ज्यादा खाते हो तो आप 150 ग्राम चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रखा है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। बच्चे और बड़े सब लोग बहुत शौक से खाएंगे। कभी भी मीठा बनाने का मन करो तो ये रेसिपी भी घर पे ट्राई कर सकते हो। इसे रेफ्रिजरेटर में रखिए इस रेसिपी को, और ठंडा सर्व करिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा।
आई होप कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।